अस्सलाम वालेकुम। तवे कुक में आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर बना रही हूँ। चिकन जिंजर की इस रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चिकन जिंजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, ये 250 ग्राम्स है और इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और दालचीनी और बड़ी इलायची को मैंने इस तरह से पीस लिया और इस तरह ये पाउडर बना लिया। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है। हरी मिर्च 2, दही 1/4 कप, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच भर के, हरा धनिया, जूलियन जिंजर और 1/4 कप ऑयल। इसके साथ मैंने एक बड़ा प्याज लिया, उसको स्लाइस कर लिया और 2 मीडियम टमाटर लेकर उनको भी काट लिया है। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डालना है। सारा ऑयल नहीं डालेंगे, कुछ बचाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, बाकी का बचा लिया है। इसमें मैं प्याज फ्राई करूंगी। जब प्याज का कलर चेंज होने लगा तो मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करके हम इसको मिक्सचर को निकाल लेंगे और ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। देखिए मैंने इसको ब्लेंडर में, चूल्हा बंद कर दिया है और ब्लेंडर में डाल दिया है। अब मैं इसको ठंडा करके पीस लूँगी और इस तरह से मैंने ये पेस्ट सी तैयार कर ली है जो टमाटर और प्याज की है। अब मैं बाकी का ऑयल डाल रही हूँ। इस ऑयल को गर्म होने पर मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी। चिकन को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका कलर वाइट हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे और साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और साथ मैंने तमाम मसाले भी डाल दिए हैं। अब मसाले डालने के बाद इसको कुछ देर पकाएंगे। साथ जूलियन अदरक जो काटी थी वो भी मैंने शामिल की है, कुछ बचा ली है गार्निश के लिए। अब वो टमाटर की जो प्याज की जो पेस्ट बनाई थी मैं वो भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो साथ ही मैं इसमें दही भी शामिल कर दूंगी। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल रिलीज हो जाए। आंच अब मैं हल्की रखूंगी। चिकन बारीक कटा हुआ है इसलिए जल्दी गल जाएगा। सिर्फ हमने इंतज़ार करना है कि हल्की आंच पर तेल रिलीज़ हो जाए। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, कुछ बचा के रखूँगी गार्निश करने के लिए। और साथ मैंने काली मिर्च का पाउडर और बड़ी इलायची और दालचीनी का जो पाउडर बना के रखा था वो भी डाल दिया है। हरा धनिया भी शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए इसमें ऑयल रिलीज हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम शामिल करने के साथ ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चिकन जिंजर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।